समानांतर ब्रह्मांड एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम जब भी सोचते हैं तो हमारा मन एक ऐसी काल्पनिक दुनिया में चला जाता है जहां हर संभावना के लिए अनंत संभावनाएं मौजूद हैं। आप लोगों ने अब तक पैरेलल यूनिवर्स से जुड़ी कई मिस्टीरियस घटनाओं के बारे में सुना होगा। खुद साइंस भी पैरेलल यूनिवर्स की संभावना के सच होने से आज तक इनकार नहीं कर पाया है। आज के इस एपिसोड में हम भी पैरेलल यूनिवर्स से जुड़ी एक विचित्र घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कहीं और नहीं बल्कि हमारे देश भारत में ही घटित हुई है। ये कहानी है उत्तराखंड के नैनीताल शहर की, जहाँ के 33 वर्षीय वसु भनोट सन 1965 में कपड़े का व्यापार करते थे, लेकिन 13 अक्टूबर 1965 में उनके साथ घटित हुई एक घटना ने उनका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया था और मरते दम तक वे इस घटना पर विश्वास नहीं कर पाए। 13 अक्टूबर 1965 को वसु नैनीताल से अपने घर सतराली के लिए निकले, जहां उनका एक पुश्तैनी घर था। काफ़ी समय तक चलते रहने से उन्हें कुछ थकान महसूस हुई, जिसके कारण उन्होंने एक जगह रुककर थोड़ी देर आराम करने का सोचा। अभी वसु अपनी यात्रा पर कुछ ही दूर निकले थे, तभी अपने गांव से कुछ ही दूर पहले उन्हें रास्ते में एक गहरे धुंध का गुब्बार दिखा। पहाड़ी इलाके में धुंध का दिखना एक आम बात है, यही सोचकर वसु उस धुंध के गुब्बार से होते हुए आगे बढ़ गए। धुंध के गुब्बार से निकलते ही उन्हें अपना गांव दिखाई दिया, जो कि अब कुछ अलग और कुछ बदला हुआ दिख रहा था। जैसे कि गांव तक जाने वाली सड़क के किनारे से गुजरने वाली नहर, जिसे वसु अपने बचपन से देखते आ रहे थे, लेकिन अब वो नहर वहां नहीं थी और ना ही उस नहर का कोई नामो निशान वहां मौजूद था। ये देखकर वासु काफी हैरान थे, लेकिन घर जाने की जल्दी कारण उन्होंने किसी से भी वहां नहर के बारे में नहीं पूछा। कुछ समय के बाद वासु अपने घर पहुंचे, जहां उनके चाचा जी का परिवार कई सालों से रह रहा था, लेकिन इस बार जब दरवाजा खुला तो वासु चौंक गए, क्योंकि दरवाजे पर खड़े इंसान को वासु ने कभी नहीं देखा था और ना ही दरवाजा खोलने वाले व्यक्ति ने कभी वासु को देखा था। जब वासु ने अपने चाचा और उनके परिवार के बारे में उस व्यक्ति से पूछा तो उस व्यक्ति ने बताया कि उनका परिवार पिछले 20 साल से उसी घर में रह रहा था। ये सुनकर वसु चौंक गया, क्योंकि जिस घर में वसु हर साल अपने चाचा जी से मिलने आता था, अब वहाँ कोई और पिछले 20 साल से रहने का दावा कर रहा था। वसु ने इस बारे में गाँव के कई लोगों से बात की, लेकिन उन सभी का यही कहना था कि वो व्यक्ति सच बोल रहा है। वसु ने जब अपने चाचा और उनके परिवार के बारे में पता लगाया तो इससे जो बातें सामने आई उससे वसु भौचक्का रह गया। गांव वालों का कहना था कि उसके चाचा और उनका परिवार 20 साल पहले एक दुर्घटना में मर चुके हैं। ये बात सुनकर वसु को ऐसा लगा मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। भला ऐसा कैसे हो सकता था, क्योंकि वसु पिछले ही साल अपने चाचा जी से मिलकर गया था। वसु की अब समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वसु ने अपने पिता और पुलिस की मदद लेने का फैसला किया। वो तुरंत ही दोबारा उस धुंध को चीरते हुए नैनीताल के लिए निकल पड़े। नैनीताल पहुंचते ही उसने सारी घटना अपने पिता और पुलिस वालों को कह सुनाई। ये बातें सुनकर उनके पिता भी हैरान थे। वे अगली ही सुबह नैनीताल के लिए निकले। इस बार जब वे अपने गाँव पहुंचे तो वो नहर जो पिछली बार वसु को नहीं दिखी थी वो इस बार वही मौजूद थी। ये देखकर वसु को बेहद हैरानी हुई। अपनी हैरानी के साथ वो लोग आगे बढ़े और उन्होंने गांव में प्रवेश किया, जहां हर व्यक्ति वसु के पिता को पहचान रहा था। और जब वे लोग वसु के चाचा के घर पहुंचे तो इस बार दरवाजा वसु के चाचा ने ही खोला, जिन्हें देखकर वसु की आंखें फटी की फटी रह गई। अपने चाचा जी को जिंदा देखकर वसु एक तरफ तो काफ़ी खुश था और एक तरफ काफ़ी हैरान भी था। वसु के चाचा को देखकर पुलिस वालों को लगा कि शायद वसु का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है और वे लोग वहां से चले गए। वसु के साथ जो घटा उस पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वसु को पूरा यकीन था कि ये कोई भ्रम नहीं बल्कि उसके साथ घटी एक सच्ची घटना थी। कुछ दिनों तक पूरे गांव में इस बात की चर्चा चलती रही और कुछ दिनों बाद वहां के एक लोकल अखबार ने इसके बारे में एक न्यूज भी छापी। वसु के साथ घटी इस घटना के बारे में सुनकर यही लगता है कि सुर्खियों में आने वाली पहली ऐसी घटना थी जो पैरेलल यूनिवर्स की तरफ इशारा करती है। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस यहां अपलोड करता रहता हूं।